प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंशु सिंह है। मैं एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पाठ 13 हम बीमार क्यों होते हैं का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व आप भाग 1 पढ़ चुके हैं। बच्चों, भाग 1 में आपने पढ़ा कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग के फैलने के कारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: संक्रामक रोग फैलने के साधन, रोगों की अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, उपचार के नियम, रोग निवारण के सिद्धांत, प्रतिरक्षा तथा टीकाकरण। बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि जो भी संक्रामक रोग होता है वो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, लेकिन ये सूक्ष्म जीव रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे पहुंचते हैं, ये हम संक्रामक रोग फैलने के साधन के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा के द्वारा पहुँच सकते हैं, भोजन द्वारा पहुंच सकते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से, या रोग वाहक जैसे मच्छर मक्खी आदि के द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रामक रोग फैलता है। अब चूंकि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रामक रोग के रोगाणु संचरित होते हैं, इसलिए इस रोग को संचरणीय रोग या संचारी रोग भी कहते हैं। अब आइए देखें किस प्रकार संचरण होता है रोगाणुओं का। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायु द्वारा किस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति रोगाणुओं से संक्रमित होता है। बच्चों, मान लीजिए ये व्यक्ति खांसी तथा जुकाम से पीड़ित है, तो जब ये खांसेगा या छींकेगा तो इसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे या बूंदक निकलेगा, जो होता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में श्वास द्वारा पहुंच जाएगा और संभव है कि ये व्यक्ति भी संक्रमित हो जाए। इसी तरह अगर बात करें कि जल द्वारा कैसे संक्रमण फैलता है, तो ये मान लें कि ये व्यक्ति हैजा रोग से पीड़ित है और किसी प्रकार इसका अवशिष्ट जल में या भोजन में मिल जाता है, और जब स्वस्थ व्यक्ति इस जल को या भोजन को ग्रहण करता है तो हैजा रोग के रोगाणु उसके शरीर में चले जाएंगे। बच्चों, इसी तरह लैंगिक संचारी रोग भी होते हैं, जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में शारीरिक संपर्क में आने के कारण फैलता है। बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि लैंगिक संचारी रोग सामाजिक संपर्क में आने से नहीं फैलता है। जैसे एड्स और सिफिलिस की बात करें तो सामाजिक संपर्क कहने का तात्पर्य है कि हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक दूसरे के संग बैठने से, एक दूसरे के चीज़ों के प्रयोग करने से, या कुश्ती जैसे खेल खेलने से लैंगिक संचारी रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। बच्चों, एड्स रोग लैंगिक संचरण के अलावा रुधिर स्थानांतरण के द्वारा भी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाता है। साथ ही साथ रोगी माता गर्भवती महिला है तो उससे शिशु में जाएगा, और रोगी माता जो स्तनपान कराती हो उससे शिशु में एड्स के वायरस जाने की संभावना होती है। बच्चों, हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ हमारे अलावा और बहुत से जंतु रहते हैं। इनमें से कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो रोगाणुओं को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुँचाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको रोग वाहक या वेक्टर कहते हैं। हमारे वातावरण में मच्छर एक प्रमुख वेक्टर होता है जो रोगी व्यक्ति से रोगाणु को स्वस्थ व्यक्ति में पहुँचाता है। कैसे पहुँचाता है? तो जब वो रोगी व्यक्ति को काटेगा और जब पुनः जाके वो स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो रोगाणु रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इस मच्छर द्वारा फैल जाता है। तो अब देखें बच्चों, कुछ यहाँ रोगों के बारे में जाने जिनका संक्रमण किस प्रकार होता है। वायु द्वारा संक्रामक रोग जो होते हैं वो खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग है। जल द्वारा हैजा, पीलिया तथा टाइफाइड होता है। लैंगिक संचारी रोग एड्स तथा सिफिलिस। इसी तरह
रोगवाहक वेक्टर द्वारा मलेरिया जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है। बच्चों, अब हम ये जान चुके हैं कि रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच चुके हैं, स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर चुके हैं। तो हम ये इस रोग की अभिव्यक्ति कैसे होगी, इसे जानने के लिए रोग के लक्षण क्या होंगे, इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे रोगों की अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। बच्चों, हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत बड़ा है और हमारे शरीर की अपेक्षा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें हमारे शरीर में बहुत से स्थान अंग तथा ऊतक संक्रमण के लिए मिलेंगे। लेकिन क्या ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के सभी अंग पे संक्रमण कर सकते हैं? तो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म जीव की जो विशिष्ट स्पीसीज होती है वो हमारे शरीर के विशिष्ट अंग को या ऊतक को ही संक्रमित करते हैं। और सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के या ये रोगाणु हमारे शरीर के किस अंग को संक्रमित करेंगे, किस ऊतक को संक्रमित करेंगे, ये निर्भर करता है कि ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार या किस मार्ग से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे इसे हम ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए कि रोगाणु नाक द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वो हमारे फेफड़े को संक्रमित करेगा, जैसे क्षय रोग के बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह अगर जो था मुंह द्वारा हमारे शरीर में संक्रमण कर रहा है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है रोगाणु, तो क्या होगा कि वो हमारे आहार नाल को या यकृत को संक्रमण करेगा। आहार नाल को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। इसी तरह अगर यकृत को संक्रमित कर रहा है तो पीलिया उत्पन्न करने वाले हेपेटाइटिस रोगाणु। बच्चों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिस अंग को संक्रमित करे, जिस रास्ते से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं उसी अंग को वो संक्रमित करें, ये हमेशा नहीं होता है। जैसे अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन वो पहले यकृत को संक्रमित करेगा तब हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में जाएगा। अगर बात करें जापानी इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क ज्वर की, तो मस्तिष्क ज्वर भी हम जानते हैं कि मच्छर के काटने से ही होता है। तो मच्छर के काटने से रोगाणु तो पहले रुधिर में जाएंगे, लेकिन संक्रमण कहाँ फैलाएंगे, वो मस्तिष्क में जाकर संक्रमण फैलाते हैं। इसी तरह अगर एचआईवी वायरस की बात करें तो एचआईवी वायरस भी लैंगिक संचारी रोग है, लेकिन वो क्या करता है, हमारी लसिका ग्रंथियों को संक्रमित करता है। अब बच्चों, रोगाणु का संक्रमण हो गया है, इसके लक्षण तथा चिन्ह क्या होंगे ये जानेंगे हम। किसी भी रोगाणु का लक्षण तथा चिन्ह इस बात पर निर्भर करता है कि वो हमारे शरीर के किस भाग को संक्रमित किया है। जिस भाग को संक्रमित करता है लक्षण तथा चिन्ह उसी के अनुसार दिखाई देते हैं। जैसे अगर फेफड़े को संक्रमित किया है तो हमारी सांस कम आएगी, सांस फूलने लगेगा और खांसी हो सकता है। इसी तरह आहार नाल को संक्रमित किया है तो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त जैसे हमें लक्षण दिखाई देते हैं। मस्तिष्क को संक्रमित करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो सिर में दर्द, जी मिचलाना, बेहोशी, ये सारे लक्षण जो होता है वो मस्तिष्क में संक्रमण के होते हैं। बच्चों, ये तो ऊतक विशिष्ट प्रभाव हुए, विशिष्ट ऊतक जिस ऊतक पे संक्रमण हुआ उस पे क्या लक्षण दिखाई देंगे, ये बात हुई। ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अलावा कुछ सामान्य प्रभाव भी रोग के दिखाई देते हैं, और ये सामान्य प्रभाव प्रतिरक्षा तंत्र के सक्रिय होने के कारण दिखाई देता है। बच्चों, जैसे ही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को संक्रमण करता है तुरंत हमारी प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाती है और विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है। जैसे मान लीजिए कि फेफड़े के ऊतक को संक्रमित की, तो मान लीजिए कि इस ऊतक को संक्रमित की है और यहाँ पे इसमें रोगाणु है, तो इसके चारों ओर प्रतिरक्षा तंत्र विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करने लगेगी, और ये जो विशिष्ट कोशिकाएं होंगी, ये जो होता है,
इस रोगाणु को नष्ट कर देंगी। लेकिन इस प्रतिरक्षा तंत्र के प्रक्रम में की वजह से शरीर में कुछ स्थानीय प्रभाव भी दिखाई देते हैं, जैसे सूजन होना या दर्द होना। बच्चों, जैसे हमें फोड़ा हो गया, तो फोड़ा होता है तो क्या होता है, उस जगह सूजन हो जाता है और हमें दर्द का भी एहसास होता है। वो इसी वजह से होता है कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाती है और उन कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है जिसकी वजह से वो रोगाणु नष्ट हो जाए। इसके साथ ही साथ बच्चों, कई बार हम देखते हैं बुखार भी हो जाता है, तो ये बुखार होना भी प्रतिरक्षा तंत्र के सक्रिय होने को इंगित करती है। बच्चों, रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर सूक्ष्म जीव संख्या में बहुत कम है, बहुत कम संख्या में वो हमारे शरीर को संक्रमित किए हैं, तो रोग की तीव्रता बहुत सामान्य होगी, रोग की अभिव्यक्ति बहुत सामान्य सी होगी। लेकिन अगर सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे शरीर को संक्रमित किए हैं, तो रोग की अभिव्यक्ति तीव्रता बहुत अधिक होगी और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी होने की संभावना हो जाती है। बच्चों, सूक्ष्म जीवों की संख्या प्रतिरक्षा तंत्र निर्धारित करता है। कहने का तात्पर्य, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। बच्चों, अब हम ये जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को संक्रमित कर चुका है, इसके लक्षण और दिखने लगे हैं, तो अब हम जो लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ है उसका उपचार करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं उपचार के नियम। संक्रामक रोग के उपचार के दो नियम हैं। पहला उपाय, रोग के प्रभाव को कम करना। बच्चों, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र के सक्रिय होने के कारण जो कोशिकाओं का निर्माण, विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसको कहते हैं शोथ। अब इस शोथ के कारण जो लक्षण उत्पन्न हुए थे, जैसे सर दर्द होना, सर्दी होना, बुखार होना, तो इससे संबंधित दवा हम ले लेंगे तो क्या होगा, रोग का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये देखने योग्य बात है कि रोग का प्रभाव कम हो रहा है, वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वो सूक्ष्म जीव जिसकी वजह से वो रोग उत्पन्न हुआ हमारे शरीर में, उस सूक्ष्म जीव को समाप्त करने का उपाय करेंगे। तो दूसरा उपाय है रोग के कारण को समाप्त करना, मतलब वो रोगाणु जिसकी वजह से हमें संक्रामक रोग हुआ है उस रोगाणु को समाप्त करना। बच्चों, रोगाणुओं को मारने की विभिन्न औषधियाँ अभी उपलब्ध हैं, जैसे बैक्टीरिया से संबंधित एंटीबायोटिक औषधि, वायरस को समाप्त करने वाली एंटीवायरल औषधि, फंगस के लिए एंटीफंगल तथा प्रोटोजोआ के लिए एंटी प्रोटोजोवल दवाएँ उपलब्ध हैं। अब ये दवाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, किस प्रकार सूक्ष्म जीव को नष्ट करती हैं, इसे आइए समझें। तो मान लीजिए हमारे शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या होगा, हम ये जानते हैं कि हम इन सूक्ष्म जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटे हैं। अलग अलग वर्गों में इनके जैव रासायनिक प्रक्रम के आधार पर बांटे हैं, मतलब कहने का ये है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सबों का अपना अपना जैव रासायनिक प्रक्रम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरिया का अपना विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रम होता है और उस जैव रासायनिक प्रक्रम से वो नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये प्रक्रम विभिन्न चरण या श्वसन हो सकते हैं। तो जो एंटीबायोटिक दवा होते हैं वो बैक्टीरिया के नए पदार्थ बनाने के जो विभिन्न चरण होते हैं उन चरण को बाधित कर देता है, तो नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे और बैक्टीरिया हमारे शरीर से समाप्त हो जाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक दवा जो होती है ये सिर्फ बैक्टीरिया को नष्ट करेगी, हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हमारे शरीर का अपना विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रम होता है जिस पे इस दवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों, एंटीबायोटिक दवाएं बनाना जितना सरल है उतना सरल एंटीवायरल दवाएं बनाना नहीं होता है। क्योंकि जो वायरस होता है
वो जब हमारे शरीर को संक्रमित करता है तो उसका अपना जैव रासायनिक प्रक्रम बहुत कम होता है, वो हमारे शरीर के ही मशीनरी को प्रयोग करने लगता है नए पदार्थ बनाने के लिए। तो उसका कोई विशिष्ट लक्षण न होने की वजह से इसकी औषधि बनाना थोड़ा कठिन होता है। बावजूद इसके इस समय बहुत से एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे HIV वायरस को कम करने वाली दवाएं। बच्चों, रोग का उपचार होगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति रोगी होता है तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे उसके रोजमर्रा के शारीरिक कार्य बाधित हो जाएंगे, और अगर उसका उपचार चल रहा है तो हो सकता है उपचार बहुत लंबे समय तक चले और व्यक्ति को बिस्तर पर रहना पड़े। साथ ही साथ चूंकि संक्रामक रोग है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित वह व्यक्ति कर सकता है। तो इन्हीं सभी बाधाओं की वजह से हम कहते हैं कि रोग के उपचार से अच्छा रोग का निवारण होता है। मतलब हम कुछ ऐसे उपाय करें कि जो रोगाणु होते हैं उनका संक्रमण हमारे शरीर में ना हो या संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो। तो आइए हम पढ़ते हैं रोग निवारण के सिद्धांत। रोग निवारण की दो विधियां हैं, जिसमें हम पहला सामान्य विधि पढ़ेंगे। सामान्य विधि में हम वो उपाय करेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे ताकि हमें संक्रमण ना हो। जैसे हम रोगी व्यक्ति से खुद को दूर रखेंगे तो उस रोगाणु से हमारे शरीर में संक्रमण नहीं होगा। इसी तरह हम क्या है वातोड़ यानी वायु द्वारा जो रोग फैलते हैं उनसे बचने के लिए हम भीड़ भरे स्थानों पर नहीं जाएंगे और खुले वातावरण में रहेंगे। इसी तरह बात करें जलोढ़ या जल द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों की, तो हम स्वच्छ जल का प्रयोग करेंगे। स्वच्छ जल के लिए हम जल को उबाल कर पीने योग्य बना सकते हैं या उसमें क्लोरीन युक्त औषधि डाल देंगे तो वो रोगाणु मुक्त हो जाएगा। इसी तरह बच्चों, हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, गड्ढे नहीं होने देना चाहिए, और अगर कहीं गड्ढे हैं तो उसमें पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, और अगर पानी इकट्ठा भी हो गया तो उनमें रोगवाहक न पनपे इससे संबंधित औषधि डाल देंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि गड्ढों में ही मच्छर पनपते हैं, तो हम जो होता है इस मच्छर ना पनपे इससे संबंधित दवा उन गड्ढों में डाल सकते हैं जिससे रोगवाहक नहीं पनपेगा। इसके साथ ही हम अपने में स्वच्छता की आदत डालकर रोग मुक्त रह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा हमें रोगों से बचाता है, रोगाणुओं से बचाता है। अगर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो रोगाणु का संक्रमण नहीं होने पाएगा। इसको हम ऐसे समझें कि एक कक्षा में कोई एक बच्चा है जिसको खांसी सर्दी हो गई है। अब उससे उसके आसपास जितने बच्चे रहेंगे वो सब उस रोगाणु से संक्रमित होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खांसी जुकाम से पीड़ित हो गए लेकिन कुछ बच्चों पे संक्रमण का प्रभाव नहीं दिखा। जिन बच्चों पे संक्रमण का प्रभाव नहीं दिखा उनकी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत था। तो मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए हमें संतुलित तथा पोषक आहार लेना चाहिए। अगर हम रोज संतुलित और पोषक युक्त आहार लेंगे तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा और ये बहुत आसानी से रोगाणुओं से लड़ सकेगा। बच्चों, हमें संतुलित तथा पोषक युक्त आहार लेना कितना आवश्यक है ये हम इस क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों, चूंकि आज हम COVID-19 महामारी से गुजर रहे हैं तो हम ये क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के क्रियाकलाप का रिजल्ट हम यहाँ बता सकते हैं। बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि 10 उच्च वर्गीय परिवार लेंगे जिनके घर में 5 साल के बच्चे हों। इसी तरह 10 निम्न वर्गीय परिवार लेंगे जो आपके अनुसार गरीब हों और उनके घर में भी प्रत्येक घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हों। अब जब इनका विकास देखेंगे, इनकी ग्रोथ देखेंगे, तो हम देखते हैं कि जिन्हें संतुलित और पोषक युक्त आहार मिला है
वो उन बच्चों का ग्रोथ अच्छा हुआ, उनका विकास अच्छा हुआ है। लेकिन जिन्हें संतुलित और पोषक युक्त आहार नहीं मिला है, संतुलित आहार नहीं मिला है, उन बच्चों का ग्रोथ अच्छा नहीं है, वो कुपोषण के शिकार हो गए। हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा आहार मिल रहा हो, तो क्या होगा कि वो अति पोषण के शिकार हो गए हों, और हो सकता है ऐसा आहार हो जिनमें पोषक तत्वों की कमी हो, तो वो क्या होगा, अल्प पोषक के शिकार हो जाते हैं। बच्चों, हमने सामान्य विधि पढ़ ली रोग निवारण की, आइए देखें विशिष्ट विधि क्या होती है रोग निवारण की। बच्चों, रोग निवारण की विशिष्ट विधि प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट प्रक्रम पर आधारित है। प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुण होते हैं रोग निवारण की विशिष्ट विधि को निर्धारित करता है। इसे हम ऐसे समझें, बच्चों पहले हमने सुना होगा कि चेचक महामारी फैलती थी, तो जब चेचक महामारी होता था तो स्वस्थ व्यक्ति चेचक रोगी के संपर्क में नहीं आना चाहता था, उसे डर होता था कि उसे चेचक रोग हो जाएगा। लेकिन वही एक वर्ग ऐसा था जो चेचक रोगियों की सेवा करता था, ये वो व्यक्ति थे जिन्हें पहले कभी चेचक हो चुका था, और जब पहले कभी चेचक, बहुत भयंकर चेचक से वो पीड़ित हुआ था, उसके बावजूद वो जीवित रहा और उनके शरीर पर चेचक के दाग बने रहे। इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जब एक बार किसी रोगाणु को पहचान लेता है और उसको नष्ट कर देता है, तो जब दोबारा कभी संक्रमण होगा तो उसे बहुत आसानी से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट कर देता है। अब आइए देखें किस प्रकार वो रोगाणु को नष्ट करता हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा क्या होता है ये देखें, प्रतिरक्षा यानी हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म। प्रतिरक्षा का अर्थ है सूक्ष्म जीव बाह्य प्रोटीन को रक्त में उपस्थित विशिष्ट वस्तुओं के द्वारा नष्ट कर डालने की शक्ति। बच्चों, पहले क्या होता था भारत तथा चीन में के जो चिकित्सक थे वो चेचक रोगी के शरीर को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से रगड़ते थे, तो क्या होता था कि चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ जाते थे और स्वस्थ व्यक्ति का शरीर भी चेचक के प्रति प्रतिरोधी हो जाता था, मतलब उसके शरीर में भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती थी। उसके बाद बच्चों आए एडवर्ड जेनर, 200 वर्ष पूर्व एडवर्ड जेनर आए और उन्होंने क्या देखा कि वे ग्वाले जिनको गो चेचक हो चुका था, वो अब चेचक के प्रति भी उनके शरीर में प्रतिरक्षा है, प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो क्या किए कि स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में चेचक के रोगाणु डालने लगे। गो चेचक के रोगाणु जब स्वस्थ व्यक्ति में के शरीर में पड़ा, उसके बाद वो देखे कि ये जो रोगाणु, इसके शरीर में चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, जो गो चेचक का वायरस था और चेचक का रोगाणु, ये दोनों एक दूसरे के निकट संबंधी थे, इसी वजह से इसके, इस बच्चे के शरीर में चेचक के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई। बच्चों, लैटिन में गो या काउ का मतलब होता है वाका। इसी तरह काउ पॉक्स या गो चेचक का मतलब होता है वैक्सीन या और इसी वैक्सीनिया शब्द से आया वैक्सीन शब्द। वैक्सीन या टीका। अब आइए बच्चों देखते हैं टीका या टीकाकरण क्या होता है। बच्चों, टीकाकरण की क्रियाविधि प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाने से संबंधित होती है। बच्चों, टीकाकरण में हम निष्क्रिय या मृत सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रवेश कराते हैं। मृत सूक्ष्म जीव या इससे संबंधित प्रतिजन, जिसको एंटीजन कहते हैं, इसको शरीर में प्रवेश कराते हैं
निष्क्रिय मृत सूक्ष्मजीव को या उससे संबंधित प्रोटीन को शरीर में प्रवेश कराना ही टीकाकरण कहलाता है। और ये जो निष्क्रिय मृत सूक्ष्मजीव है ये टीका कहलाता है। अब जैसे ही ये सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है। इन कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं तो इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में लग जाती हैं और कुछ अन्य कोशिकाएं इसकी पहचान को स्मरण करती हैं, मतलब इसकी पहचान को सुनिश्चित करके इससे संबंधित एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बना लेती हैं। कुछ कोशिकाएं तो इसको नष्ट करेंगी और कुछ अन्य कोशिकाएं इससे संबंधित प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बना लेती हैं। और जब पुनः अगली बार वास्तव में संक्रमण होता है तो हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी बन चुका है, तो इस बार आसानी से प्रतिरक्षा तंत्र उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। बच्चों, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक और पोलियो के टीके उपलब्ध हैं और बहुत से सरकारी कार्यक्रम चलते हैं जिनके अंतर्गत टीके बच्चों को दिए जाते हैं। बच्चों, टीका सही समय पर देना आवश्यक होता है, टीकाकरण सही समय पर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ का पानी दूषित हो, जल दूषित हो, उसमें हेपेटाइटिस के वायरस हो जो पीलिया रोग करते हैं, तो जब बच्चा 5 साल तक का हो गया होगा तो किसी ना किसी तरीके से वो उस जल के संपर्क में आ चुका रहता है और उसका प्रतिरक्षी उसके शरीर में बन चुका रहता है। तो 5 साल के बाद अब अगर उसको पीलिया से संबंधित हेपेटाइटिस का टीका दिया जाएगा तो उसके शरीर पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था टीकाकरण और टीकाकरण को सही समय पर कराने की आवश्यकता। अब इसके बाद हमारा पाठ पूर्ण हुआ, हम ये गृह कार्य कर लीजिएगा आप लोग। बच्चों भाग एक आपको इसके पहले शुभ्रा मैम पढ़ाई थी, भाग दो आज मैंने पढ़ाया और हम बीमार क्यों पढ़ते हैं ये पाठ समाप्त हो गया। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।